कुलटी थाना क्षेत्र में दिशरगढ़ मजार शरीफ के पास दामोदर नदी में स्नान करने के दौरान एक किशोर की मौत हो गई। मृतक पीर बाबा का दर्शन व पिकनिक मनाने के लिए अपने दल के साथ वहां गया हुआ था। मृतक की पहचान 16 वर्षीय मोहम्मद रहीम के रूप में की गई है। हालांकि उसे नदी से निकालने के बाद तत्काल ईसीएल के साक्तोरिया अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार कोलकाता के तपसी से कुछ लोग बस से दिसरगढ़ पीर स्थान स्थित पीर बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे हुए थे। वहां उन्होंने दामोदर नदी किनारे पिकनिक मनाने और स्नान के बाद पीर बाबा के दर्शन का कार्यक्रम बनाया था। समय बिताने के लिए दल के कुछ युवा नदी किनारे बालू पर गेंद खेलना शुरू कर दिए। उसी दौरान उनकी गेंद नदी में जा गिरी। गेंद निकालने के लिए मोहम्मद रहीम पानी में उतरा तो वह डूब गया। আমার ছেলে গা ধুতে এসেছে, আমার ছেলে ডুবে গেছে, মানে এরা শুনছে না।